बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इस गाने की एक हिस्ट्री है, एक सिंग बताता हूँ। फिल्म आशिकी आई थी आज से कुछ 25 साल पहले और तब हम भी जवान हुआ करते थे। मैं तो जो भी हूँ उसकी ऑर्डर लेके रखा हूँ, आप अपनी अपनी सोचिए, हम तो अब तक 18 के ही रह गए, क्या करें। लेकिन जो भी हूँ, लेट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक। तो ऐसा हुआ था कि वो गाने बहुत कमाल के हुए थे, फिर आशिकी 2 जब आया लोगों लगा यार कुछ तो खास करना पड़ेगा, उस बराबरी की टक्कर देना है। गाना बहुत खूबसूरत बना यही गाना, अब गाएगा कौन इसको लेकर काफी। तभी अरिजीत सिंह भी नए नए थे, अभी तो अलग बात है, लेकिन तो किससे गवाए किससे गवाए किससे गवाए। अरिजीत तैयार था, स्टैंड बाय में रखा गया था। सबसे पहले बोले कि शानुदा को बुलाते हैं, शानुदा जो असल असल में जो कमाल उन्होंने किया था, धीरे 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 से मेरी जिंदगी, धीरे धीरे से दिल को छुना। हनी सिंह गाना नहीं, ओरिजिनल वन एंड ओनली शानुदा को बुलाया गया, शानुदा है। हाँ अच्छा गाना भाई, हम अपना भी थोड़ा सा टच डालेगा, अभी आप एंजॉय करो, खेल लेना बताओ। सर आप गाना क्यों नहीं गा रहे सर, अब हे हाँ हाँ क्यों कर रहे हैं? कंपोजर ने पूछा। अरे कमाल आदमी है, तुमको जानता नहीं, हमारा हर गाना के पहले हे हाँ हाँ गाना नहीं होता है, हिट नहीं होता, उसके बाद हे करना ही पड़ता है। तो उनको लगा कि यार ख्याल होता अपसेट हो गए कि बीच में रोक दिया इस तरह से, बड़े सिंगर हैं चले गए अपसेट होकर। तो अब क्या करें, कहाँ किसी बुलाए, किसी बुलाए आप ही बताए, किसकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे गाना। एक और नाम जिन्हें अभी अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सिंगर उदित जी को बुलाया जाता है। उदित जी की अपनी अंदाज है, तो उदित जी आते हैं और उदित जी हमेशा खुश रहते हैं, कहते हैं कि क्या बात है बाबा, NSIT की ऑडियंस मतलब यार कमाल ही, पत्ती की कसम कहता है ऐसी ऑडियंस हमने तो नहीं देखा कभी, आपको मैं ये गाना जरूर अपने अंदाज में गाकर सुनाता हूँ, जरा स्केल दे दीजिए। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, अरे तुझसे बिछड़ कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, अरे मेरी जिंदगी मेरी आशिकी। देखिए इस तरह से इस गाने को गाया जाता है, लेकिन अचानक वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके कहने लगे कि हमारा हीरो जो है वो हंसते नहीं है, सैड है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, लिक्विड डाइट पे रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सीरियसली इस गाने को गाना पड़ेगा। अरे सर क्या बात करते हैं, जहाँ मुस्कुराहट नहीं जहाँ खुशी नहीं हो, तो नारायण भी नहीं, जाते जाते मेरा भी पता कट करके गए। अरे मेरे भी एक और चेले हैं, वो भी जो भी गाते हैं सैड सॉन्ग भी हंसते हंसते, वो शान उसको भी मत बुलाना फिर, मेरा भी कैंसिल, कब कहाँ जाए। बिल्कुल जब सीरियस गाने की बात चल रही है तो फिर सोनू निगम से बढ़कर और कौन हो सकता है। सबसे पहले तो आप सबको मेरा शुक्रिया, आप सब बहुत कमाल फैंटास्टिक, तो मैं आपके लिए गाना जरूर गाऊंगा। Yeah.
सर बोला सर आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत मजा तो आ रहा है हमेशा जैसे आप गाते हैं, लेकिन गाना अपना थोड़ा सिंपल है, सिंपल सिंपल अगर रखें तो देखिए अगर सिंपल गाना गाना था तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, आप दिल्ली कर रहे हैं तो मैं अपने अंदाज में जोड़ रहा है तो पूरे अंदाज से करते हैं। तो सुनेंगे हम साहब ये बात सुनकर बहुत हैरान होकर चले गए, बोले ये गलत है, सिंपल सिंपल क्या करना है, चले गए। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए गाने को लेकर? उनको बुलाते हैं कुछ ना कुछ करके इस गाने को हिट कर ही देंगे। तो फिर मीका बाजी तो बिना चश्मे के तो पहली बार आए हैं, वैसे आप समझे पहली बार मुझे लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बड़े भाई शान मेरा नकलों को उतार है, सारी जिंदगी में उनका नकल उतारा, अरे वाह अभी देखते क्या होता। आप ही गाना सुनना चाहते मेरे हाल में रहने पाए, ये गाना हिट तो हुआ लेकिन सुपर हिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मीका सिंह इस गाने को आया नहीं, आज मीका सिंह गाना आया आप सुन जाया करो। आपने कहा जब गाना गाता है तो उसमें रिदम होती है, उसमें ढोल होती है, पंजाबी वाली बात होती है, मैं चाहता हूँ कि ढोल जोर से बचे और मैं चाहता हूँ कि पंजाबी स्केल हो, स्केल ज़रा ऊँचा करो यार। तुम ही हो मेरे आशिक़ी।